क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही उनके लिए दिल में सम्मान आ जाता है। कुछ ऐसा ही अब अजिंक्य रहाणे के लिए भी नजर आता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान दूसरी बार भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने फैंस का दिल जीत लिया। इस बार उन्होंने रविंद्र जडेजा के प्रति अपना सम्मान दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्ट और मैं हूं आपके साथ आदित्य तिवारी। भारतीय टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान उस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी जब कप्तान अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसी समय इन दोनों बल्लेबाजों के बीच क्रीज पर एक गलती हुई जिसके कारण ही अजिंक्य रहाणे रनआउट हो गए। अक्सर हमने देखा है रनआउट होने के बाद बल्लेबाज गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबका दिल जीतते हुए निराश रविंद्र जडेजा का हौसला बढ़ाया और मैदान के बाहर चले गए। रनआउट होने के समय अजिंक्य रहाणे 112 रनों पर खेल रहे थे। आपको बता दें कि टेस्ट करियर में पहली बार अजिंक्य रहाणे रनआउट हुए हैं जिसके कारण ही अब उनका यह क्रम टूट गया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी के दौरान भी अजिंक्य रहाणे ने पदार्पण कर रहे मोहम्मद सिराज का भी अपने अंदाज में सम्मानित किया था जिसके कारण ही उनकी ट्विटर पर जमकर तारीफ भी हुई थी। बतौर कप्तान भी अजिंक्य रहाणे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुश्किल में डाल दिया है। इस वीडियो के बनते समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 101 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी है। दूसरी पारी में अभी भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 30 रनों की बढ़त भारतीय टीम ने चढ़ा रखी है जिसके कारण ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन ही ये मैच खत्म हो सकता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट एडिक्टर और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।